हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये बेसन का सीरा बनाने सिखाने जा रही हूँ। मैंने ये घी ले लिया है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हेल्थी रहते हैं और ठंड भी नहीं लगती बच्चों को, और विंटर्स बहुत है, जैसे बच्चों को कफ बलगम कुछ हो रहा हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने गैस में घी डालकर 1 चम्मच बेसन डालकर ये भून रही हूँ। अच्छे से जब ये भून जाएगा तो इसमें क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा काउ मिल्क ले रखा है, ये गिलास के अंदर आप देख सकते हैं मैंने काउ मिल्क लिया है। ये काउ मिल्क इसके अंदर मैं यूज करूँगी। इसे कहते हैं सीरा, इट्स नॉट अ हलवा। मैं हलवा नहीं सिखा रही, मैं आपको एक बेसन का सीरा सिखाने जा रही हूँ। ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जैसे बच्चों को ठंड लग रही है, जुकाम हो रहा है, एकदम से बुखार हो गया है, तो जहाँ मेडिसिन काम नहीं आती वहाँ पर डाइट काम आती है, तो हम वहाँ डाइट करेंगे। देख सकते हैं मैं अच्छे से उसको भून रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं लिया, बस 1 चम्मच काओ घी लिया है और उसके अंदर मैंने ये बेसन को डालकर भून रही हूँ अच्छे से। ये तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक ये भून रहा है मैं आपको समझा देती हूँ इसके फायदे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो बेसन प्रोटीन का वो होता है, आपके अंदर प्रोटीन जा रहा है। एक दूसरा ये गर्म होता है, आपको गर्मी भी देगा। और तीसरा, जैसे बच्चों को बहुत ठंड लग जाए, ये इनफैक्ट ये बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी हो सकता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये गुड न्यूट्रिशंस हैं, इसके अंदर गुड न्यूट्रिशंस हमारे ऐड होते हैं। ये मैं सिर्फ 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ, यानी कि अपने लिए थोड़ा सा थोड़ा, जैसे अगर आपको ठंड लग रही है या बुखार सा हो रहा है या सर में भी दर्द हो रहा है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्थी होता है, मतलब शरीर के लिए, बॉडी के लिए, और बहुत ही अच्छा गुड न्यूट्रिशंस भी देता है। तो ये जब तक ब्राउन कलर का ना हो जाए हम इसको घुमाते रहेंगे और इसको करते रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, हल्का हल्का ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये अच्छा सा हो जाएगा ब्राउन ब्राउन सा, तब मैं आपको बताऊंगी इसके आगे क्या करना है आपको। अभी ब्राउन नहीं हुआ है, अभी हल्का ब्राउन हुआ है। मैंने बहुत ही स्लो गैस में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी गैस बहुत ही स्लो चल रही है। तो जब भी इस तरह के कोई सीरे बनाओ तो उस गैस को बहुत स्लो करना। ये जरा सी शुगर है, आप देख सकते हैं 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ, तो 1 चम्मच शुगर है। मैं शुगर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं डाइट कॉन्शियस भी हूँ थोड़ी सी, तो ये शुगर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इससे जितनी मैंने 1 चम्मच ली थी उसकी भी मैंने आधी चम्मच इसमें ऐड करी है। ये ब्राउन कलर का हो चुका था, अब मैंने ये शुगर इसमें डाल दिए और फिर से मैं इसको घुमा रही हूँ ताकि ये शुगर इस बेसन के अंदर अच्छे से घुल जाए। ये घुल रहा है, आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन कलर का हो चुका है। ये सिर्फ मैं 1 पर्सन का बना रही हूँ, और जब ये ब्राउन कलर का शुगर घुल गई है, ये मेरे हाथ में बस थोड़ा सा मिल्क है, ये मिल्क मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धीरे धीरे करके। आपको जितना डालना है, ये पतला पतला सा बनेगा, नोट हलवे की तरह नहीं बनेगा। ये मैंने आधा कटोरी ये इसके अंदर डाल दिया है। अब मुझे थोड़ा सा गैस को तेज करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर रोड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, नहीं तो इसको जल्दी जल्दी हमें चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये मेल्ट नहीं होगा और हमारी ऐसे रोड़ियाँ सी बन जाएंगी। इसलिए आपको जल्दी जल्दी तेज गैस करनी पड़ेगी और इसको इसके अंदर घुमाना पड़ेगा। अभी ये इसमें अच्छे से घुला नहीं है, बेसन अलग है और दूध अलग हो रहा है, इसका मतलब अभी ये नहीं बना है। मैंने गैस भी तेज कर दी है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं गैस तेज कर दी है। अभी जल्दी से करना है, चम्मच को जल्दी जल्दी हिलाना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सीरा अच्छे से नहीं बनेगा। ये पतला पतला सीरा सा बनता है, ये गाढ़ा गाढ़ा नहीं बनता है। इससे सर में दर्द भी हो रहा हो या फिर किसी को बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही हो उसके लिए भी अच्छा है, और वैसे भी गुड फॉर द हेल्थ है। गुड प्रोटीन जा रहा है आपके अंदर, अच्छा देखिए कितना अच्छा मिल्क जा रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, वाइट वाइट कलर का आप देख सकते हैं। अभी नहीं बना है ये, जब तक ये पूरा इसके अंदर घुल मिल सा नहीं जाएगा
तब तक हमें इसे बंद नहीं करना। हमें इसे हलवा नहीं बनाना है, हमने इसे दूध में बनाया है, तो ये हलवा नहीं है, ये एक सीरा है, सीरा टाइप, जैसे वो पतला पतला खिलाया जाता है बच्चों को, उस तरह का। ये इसको आप पॉरेज भी कह सकते हैं इंग्लिश में, अगर आप लेंगे तो बेसन पॉरेज कह दीजिए, अगर इंग्लिश का वर्ड यूज़ करेंगे तो बेसन पॉरेज, और हम हिंदी और पंजाबी में यूज़ करेंगे तो हम इसे सीरा कहेंगे। ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही गुड है, ये एक अच्छा न्यूट्रिशंस देगा हमारी बॉडी में जाकर। आप देख सकते हैं वाइट वाइट झाग सी बस थोड़ी सी रह गई है, और मेरा बेसन और दूध लगभग देख सकते हैं बिल्कुल घुल चुका है आपस में, किसी तरह की कोई भी गांठ या कुछ भी इसमें अब नहीं रही है। मैं आपको इसकी रेसिपी दोबारा समझा देती हूँ। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है। मैंने पहले छोटी सी कढ़ाई ली, ये मैंने एक पर्सन का तैयार कर किया है, रेडी किया है। मैंने पहले एक छोटा सा चम्मच, ये घी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये घी है बिल्कुल, इसमें से एक छोटा सा चम्मच मैंने घी का लिया है और उसमें डाल दिया था। फिर मैंने एक चम्मच बेसन लेकर उसको काफ़ी देर तक भुना, जब तक वो मेहरून कलर का नहीं हो गया। फिर उसके पास मैंने आधी चम्मच चीनी ली की, इसमें शुगर लेकर डाल दी थी, और उसके बाद मैंने हाफ कप जितना काउ मिल्क यूज़ करती हूँ, काउ मिल्क डाला है। तो अब ये देख सकते हैं इसमें उबाले आने शुरू हो चुके हैं, और वो जो झाग है वो ख़त्म सी हो रही है। जब आपके भी इस तरह से उबाले आने शुरू हो जाए और झाग ख़त्म हो जाए, तो आप समझ लो ये आपका पोरेज या सीरा, जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं, ये तैयार है। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये पतला पतला बनेगा, गाढ़ा नहीं बनेगा, और आप देख सकते हो कि बेसन और दूध एकदम से घुल गया है, अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहो तो इसके अंदर थोड़े से बादाम या किशमिश के दो चार दाने भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं ये दो चार ऐसे बादाम डाल रही हूँ, गिनती के 5 मैंने आलमंड्स लिए हैं, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये आलमंड्स, और ये 5 किशमिश के दाने हैं, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। इस तरह से आप भी चाहो तो ये ऐड कर सकते हो।